Dear students, in this video we will do chapter 14 electric current and its effect. So first of all we will do the diagram. Electric component दिए हुए हैं और उनके symbols हैं. Electric cell को कैसे represent करते हैं, इस तरीके से. जो long line है that is of positive terminal and जो shorter line है that is of negative terminal. Electric bulb को ऐसे represent किया जाता है. Switch अगर on position में है तो closed circuit होता है, अगर off position में है तो open circuit होता है. बैटरी एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होती है, तो सेम सेल वाला सिंबल ही यहाँ यूज़ किया जाता है, बट जितने हम नंबर ऑफ सेल्स लगाते हैं उतने ही हम इसके सिंबल बना देते हैं. वायर को एक सीधी लाइन से शो किया जाता है. नेक्स्ट वी आर हैविंग फिलिंग द ब्लैंक्स. लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स डैश टर्मिनल. जो लॉन्गर लाइन होती है वो कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है टर्मिनल को, दैट इज ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल. और जो शॉर्टर लाइन होती है दैट इज ऑफ नेगेटिव टर्मिनल. कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इन इज कॉल्ड अ बैटरी. जब दो या दो से ज़्यादा सेल हम एक सीरीज में लगाते हैं तो एक बैटरी की फॉर्मेशन होती है हमारे पास. जब करंट स्विच ऑन पोजिशन में है तो जो रूम हीटर में हमने क्या है, वेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर, ठीक है, रूम के अंदर हीटर रखा है, जब स्विच ऑन है तो क्या होगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा. सेफ्टी डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्यूज. नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल. जब दो सेल की बैटरी बनानी है तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर, दूसरे के वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन होनी चाहिए. लाइक दिस, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल आएगा, दूसरे का पॉजिटिव, फिर उसका नेगेटिव, नेक्स्ट का पॉजिटिव, तो इसलिए ये फॉल्स होगा. When the electric current through the fuse exceed a certain limit, जब electric current अपनी limit cross करता है तो fuse wire वो melt हो जाती है और circuit को break कर देती है, that is true. Electromagnet does not attract a piece of iron. जो एक electromagnet है, magnet क्या करता है, iron object को, metal object को अपनी तरफ attract करता है, but जहाँ पर उन्होंने लिखा है does not attract, so it is false. An electric bell has an electromagnet, electric bell के अंदर एक electromagnet लगी होती है, that is true. नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द फॉलोइंग. इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज. जब वायर के अंदर चार्ज फ्लो करता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. कंपोनेंट क्या है, द थिंग्स और मटेरियल विच आर यूज टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट. सर्किट बनाने के लिए हम सेल यूज़ कर रहे हैं, वायर्स यूज़ कर रहे हैं, वो सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स. फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो थिन कॉपर वायर से बना होता है, जब हाई करंट इसमें फ्लो करता है सर्किट में तो वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है. तो बेसिकली फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है. जो भी हमारा इक्विपमेंट, हम कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने फ्यूज लगाया हुआ है तो अगर ज़्यादा करंट आ जाएगा तो जो भी हमारे अप्लाइंस हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे. तो शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर हमने हीटर या कोई आयरन, कोई भी डिवाइस अगर हमने लगा रखी है, प्लग इन कर रखी है, तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा. इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इट इज़ अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट. जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एक वायर के अंदर तो वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं. नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. डिफरेंट इफेक्ट कौन से, इलेक्ट्रिसिटी के केमिकल इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. यूजेस बैटरी के क्या है, टॉर्च में यूज होती है, ट्रांजिस्टर में, टॉयज में, टीवी रिमोट्स में. हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, किसने डिस्कवर किया था, हैंस क्रिस्टन ऑर्सन ने. विच वायर इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर नाइक्रोम वायर यूज़ की जाती है, बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होती है, नॉर्मल वायर जल्दी मेल्ट हो जाती है. इज इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट और ब्रेक, येस, जब लार्ज करंट फ्लो करता है वायर के अंदर तो वो मेल्ट हो जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है. तो सिंबल में जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा वो लॉन्ग लाइन से शो किया जाता है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव लाइन से. पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंटेड बाय लॉन्ग वर्टिकल लाइन एंड नेगेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट वर्टिकल लाइन. नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट को करेक्ट करना है, बैटरी ब्रेक्स और कंप्लीट द सर्किट. तो बैटरी नहीं कंप्लीट करती है, कौन कंप्लीट ब्रेक करता है या कंप्लीट करता है सर्किट को, स्विच. बल्ब इज ए सोर्स ऑफ करंट इन अ सर्किट. तो बल्ब सोर्स नहीं होता है, वो ग्लो करता है जब करंट पास होता है, बेसिकली बैटरी सोर्स है. ऑब्जेक्ट विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स. या पे इंसुलेटर था तो हमें उसे करेक्ट करके कंडक्टर लिख देना है. टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल्स, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर.
तो एक का नेगेटिव दूसरे के किसके साथ अटैच होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे करेक्शन करनी है। ऑब्जेक्ट वाइज डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर, तो कंडक्टर की बजाय यहाँ पे इंसुलेटर आएगा। LED स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड होता है, डिवाइस नहीं होते हैं। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लिखा है, बट वो मिनिएचर करंट ब्रेकर होता है। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूज, नॉट बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, फ्यूज नहीं बोलते उसे, क्या बोलते हैं, बैटरी। लॉन्गर लाइन इज अ सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंटेड नेगेटिव टर्मिनल, तो लॉन्गर लाइन किसको बताती है, पॉजिटिव टर्मिनल को। थैंक यू।